स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम अल्कीन की प्रिपरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें पहला मेथड है अल्कीन की अनसे हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन को अनसेड हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करने के लिए हम कैटेटिक रिडक्शन का हेल्प लेते हैं यानी अनसे कंपाउंड लाइक अल्कीन को मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिड्यूस करना यदि हम अल्कीन के बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमें अल्केन मिल जाते हैं इसी प्रकार अल्काइंस के दोनों बॉन्ड्स में हाइड्रोजन ऐड करने पर हमें मिल जाते हैं तो चलिए देखते हैं कि आखिर यह रिएक्शन किस तरह से होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में एम्टी ऑर्बिटल्स होने के कारण ये बहुत अच्छे एडजॉबेंट की तरह एक्ट करते हैं यदि हम हाइड्रोजनेशन के लिए प्लेटिनम मेटल का एग्जाम्पल लेते हैं तो सबसे पहले अल्कीन मॉलिक्यूल्स इस प्लेटिनम सीट पर आकर एडजॉर्ब हो जाते हैं और इसी तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी आकर प्लेटिनम सीट पर एडजॉर्ब हो जाते हैं इस तरह से एडजॉर्ब अल्कीन मॉलिक्यूल के कार्बन एटम और सरफेस पर एडजॉर्ब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन एटम्स के बीच में रिएक्शन होती है जिससे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होते हैं वहीं हाइड्रोजन और प्लेटिनम सीट तथा कार्बन और प्लेटिनम सीट के बीच के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और हमें फाइनली इथेन मॉलिक्यूल एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है यह इथेन मॉलिक्यूल धीरे धीरे प्लेटिनम के सरफेस से डिजॉर्व हो जाता है हम यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड में दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही साइड से अटैच हुए हैं इस तरह के एडिशन को हम सीन एडिशन कहते हैं आई होप आप पाई बॉन्ड के हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होंगे तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लेते हैं अभी हमने देखा कि यदि हम इथेन को हाइड्रोजन के साथ मेटल कैटलिस के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो हमें इथेन मिलता है इसी तरह से अगर हम प्रोपीन लेते हैं और उसको मेटल कैटलिस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें अल्केन के रूप में प्रोपेन मिल जाता है वहीं अगर हम प्रोपाइन ले जो कि एक अल्काइन होता है और इसका भी मेटल्स के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराए तो यहाँ पर भी हमें प्रोपेन एज ए अल्किन मिलता है अल्किन्स को हम अल्किल हैलाइड से भी बना सकते हैं इसमें पहला मेथड है कि अल्किल हैलाइड को हम जिंक और डाइल्यूट एच सी एल के प्रेजेंस में ट्रीट करें तो यदि हम क्लोरोमीथेन लें और इसका रिडक्शन जिंक और डाइल्यूट एच की हेल्प से करते हैं तो हमें मीथेन और एच सी एल एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं वहीं अगर हम क्लोरोथेन लेते हैं और इनका जिंक और एस सी एल की हेल्प से रिडक्शन कराते हैं तो हमें इथेन और एच सी एल एज ए प्रोडक्ट मिलेंगे अगर हम क्लोरोप्रोपेन लेते हैं तो हमें प्रोपेन एज ए प्रोडक्ट मिलता है अल्किल से अल्केस को हम एक और मेथड से बना सकते हैं इस मेथड का नाम है वुड्स रिएक्शन। यदि हम अल्किल को सोडियम मेटल के साथ ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें हायर अल्केन्स दे देते हैं यहाँ पर हायर अल्केन से मतलब यह है कि बनने वाले अल्केन में कार्बन एटम्स का नंबर अल्किल में प्रेजेंट कार्बन एटम के नंबर से ज्यादा होता है इसे हम कुछ इस रिएक्शन की हेल्प से दिखा सकते हैं और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम यह रिएक्शन कराते हैं तो ड्राई ईथर को एज ए मीडियम चूज किया जाता है ऐसा इसलिए है कि ड्राई ईथर मॉइस्चर फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है यदि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो सोडियम मेटल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण मॉइस्चर से रिएक्ट करके हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस दे देगा जिससे कि यह रिएक्शन नहीं हो पाती है यदि हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो यह लगता है कि सोडियम मेटल के दो एटम्स अल्किल हाइलाइट के दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके उनके हेलोजन एटम्स को रिमूव कर लेते हैं और सोडियम हेलाइट फॉर्म करते हैं वहीं अल्किल हैलाइड्स के अल्काइल ग्रुप्स आपस में कंबाइन होकर हमें अलकेल दे देते हैं तो चलिए देखते हैं यह रिएक्शन किस तरह से होती है वुड्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दो मैकेनिज्म प्रपोज्ड की गई हैं। एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वहीं दूसरी होती है आयनिक मैकेनिज्म। यहाँ पर हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे आयनिक मैकेनिज्म के बारे में आप हायर क्लासेज में आप पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से वुड्स रिएक्शन किस तरह से होती है सबसे पहले अल्काइल क्लोराइड पर सोडियम मेटल अटैक करता है सोडियम मेटल होने के कारण इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है यह सोडियम एटम अल्काइल क्लोराइड के क्लोरीन एटम को अपना इलेक्ट्रॉन देता है जिसके कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता है जिससे NaCl बनता है और इंटरमीडिएट के तौर पर एक अल्काइल फ्री रेडिकल बनता है हम जानते हैं कि अल्काइल फ्री रेडिकल्स बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं तो ये अल्काइल फ्री रेडिकल्स दूसरे अल्काइल फ्री रेडिकल के साथ डायमराइज होकर हमें कुछ इस तरह से अलकेन देते हैं यहां पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि बनने वाले अलकेन में कार्बन एटम्स का नंबर अल्किल हेलाइड में प्रेजेंट कार्बन एटम के नंबर का डबल होता है चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यदि हम ब्रोमोइथेन की सोडियम के साथ रिएक्शन ड्राई इथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो सोडियम मेटल ब्रोमोइथेन के ब्रोमीन्स को रिमूव करके इथाइल रेडिकल बनाएगा और ये इथाइल रेडिकल्स आपस में कंबाइन होकर हमें ब्यूटेन दे देंगे अगर हम ब्रोमोमिथेन को सोडियम के साथ ड्राई इथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर भी सोडियम मेटल ब्रोमोमिथेन के ब्रोमीन को रिमूव करके मिथाइल रेडिकल फॉर्म करेगा और ये मिथाइल रेडिकल्स आपस में कंबाइन होकर हमें इथेन एज ए प्रोडक्ट दे देंगे वुड्स रिएक्शन की हेल्प से अल्केन बनाने का यह मेथड एक शॉर्टकट मेथड है आप इस मेथड को याद रखिएगा चलिए अब हम वुड्स रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देख लेते हैं वुड्स रिएक्शन के हेल्प से हम ऐसे अल्केन्स को अच्छे ईल्ड में बना सकते हैं जिनमें कार्बन एटम्स इवन नंबर में प्रेजेंट होते हैं वहीं ऐसे अल्केन्स जिनमें ऑड नंबर में कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके लिए यह रिएक्शन प्रेफर नहीं की जाती है ऐसा क्यों होता है इसे हम प्रोपेन की प्रिपरेशन की हेल्प से समझते हैं तो यदि हमें वुड्स रिएक्शन की हेल्प से प्रोपेन बनाना है तो यहाँ पर दो तरह के अल्किल क्लोराइड्स लगेंगे जिसमें एक मिथाइल क्लोराइड होगा वहीं दूसरा इथाइल क्लोराइड होगा वुड्स रिएक्शन के दौरान मिथाइल क्लोराइड से हमें मिथाइल रेडिकल मिलेगा वहीं इथाइल क्लोराइड से हमें इथाइल रेडिकल मिलेगा और हम जानते हैं कि रिएक्शन के दौरान ये रेडिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो अगर एक मिथाइल रेडिकल दूसरे मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा तो हमें इथेन देगा वहीं अगर एक इथाइल रेडिकल दूसरे इथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन करता है तो हमें ब्यूटेन मिलता है अगर मिथाइल रेडिकल इथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा तब जाकर हमें प्रोपेन एज ए प्रोडक्ट मिलेगा जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है यहां पर आप यह देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान मिक्सचर ऑफ अल्केन्स फॉर्म हुए हैं की प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा सिमिलर होती है इसीलिए यहां से प्रोपेन को प्यूरिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है जिसके कारण हम इस मेथड का यूज प्रोपेन की प्रिपरेशन के लिए नहीं करते हैं वुड्स ने इस रिएक्शन को कराने के लिए मेनली अल्किल क्लोराइड और सोडियम मेटल का यूज किया लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने सबस्ट्रेट और मेटल को चेंज करके वुड्स रिएक्शन के जैसे ही बहुत सारी रिएक्शंस कराई इसमें पहली रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन इस रिएक्शन में हम अल्किल क्लोराइड की जगह पर अराइल क्लोराइड लेते हैं और इसे सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करके एरोमेटिक कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं वहीं अगर हम अराइल क्लोराइड को अल्काइल क्लोराइड के साथ सोडियम मेटल के प्रेजेंस में ट्रीट कर ट्रीट करते हैं तो हमें अल्काइल बेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिलता है इस रिएक्शन को हम वुड्स फिटिक रिएक्शन कहते हैं सिंस सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है तो इस रिएक्शन को करा पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो को बनाने के लिए उलमैन नाम के साइंटिस्ट ने अल्किल क्लोराइड की जगह पर अल्किल आयोडाइड को कॉपर मेटल के साथ हीट किया जिससे हमें वुड्स रिएक्शन के जैसा ही अल्केन मिलता है जिसे हम इस रिएक्शन की हेल्प से समझ सकते हैं यहाँ पर सोडियम मेटल की जगह पर एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल कॉपर यूज किया गया है इसीलिए हमें इस रिएक्शन को कराने के लिए रिएक्शन मिक्सर को हीट करना पड़ता है आई होप आप वुड्स रिएक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे